हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के एक कॉलेज के बारे में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है और वो 2020 में आया हुआ है, दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर के बारे में बात करेंगे, जिसका हम लोग एफिलेशन एस्टेब्लिशमेंट कितने एकड़ में बना हुआ है, कैसी ओपीडी है, कितने हॉस्पिटल्स के बेड हैं और कितने यूनिट में इनके हॉस्पिटल्स के बेड भी डिवाइड है, ये भी हम इस पर भी बात करेंगे। ट्यूशन फी क्या जाएगी, डिम्ड पेड सीट कोटा की एनआरआई कितनी जाएगी, उसके बाद हॉस्टल फीस क्या है जिसमें एसी, नॉन एसी, टू सीटर, सिंगल सीटर, गर्ल्स हॉस्टल की क्या सेपरेशन और क्या व्यवस्थाएं हैं, बॉयज हॉस्टल की क्या व्यवस्थाएं हैं और कनेक्टिविटी कैसी है। अगर आप यहां से जा रहे हैं, अगर अदर स्टेट का बच्चा है, अगर वहां पे अलॉटमेंट लेता है और वहां के लिए प्रोसीड करता है तो उसको कनेक्टिविटी प्रॉपर कैसी मिल पाती है, इन सब टॉपिकों पे मैं आज बात करूंगा आपसे। और आप लोग बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं सारा एक एक पॉइंट आप लोगों से क्लियर करके बताऊंगा इसमें, जो मेरा बिल्कुल फिजिकल जाके विजिट करके देखा हुआ है। ठीक है, तो बस बने रहिए, लेट्स गो ऑन। जो दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज है ये नागपुर में वंडा डोंगरी में स्टेबल है और ये एयरपोर्ट से 78 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका जो एफिलेशन है एमबीबीएस के लिए 2020 में आया था और 2018 से यहाँ पे ऑलरेडी बीएमएस चल रहा था और इसका जो एफिलेशन मिला हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से मिला हुआ है, जो आईएमसी के सेक्शन 1956 अंडर ब्रैकेट 102 टू 1956 के अंतर्गत इसको एफिलेशन मिला हुआ है, जो एनएमसी और एमसीसी दोनों के अंतर्गत में आता है, वो प्रॉपर डीम्ड के लिए एफिलेटेड है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। जो इसका हॉस्पिटल है उसकी ओपीडी लगभग 895 बेड की है और दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को इस चीज़ का होगा कि दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज 895 बेड की ओपीडी को यूनिट वाइज डिवाइड किया हुआ है। अगर यूनिट वाइज अगर किसी हॉस्पिटल की ओपीडी डिवाइड रहती है तो उसमें बच्चों को प्रैक्टिस करने में और प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और उनके लिए कन्वीनियंट रहता है। आप इसमें मैं आप लोगों को पर्टिकुलर बता देता हूँ कि किस ब्रांच के लिए कितने बेड की ओपीडी यूनिट वाइज दत्ता मेघे में डिवाइड किया हुआ, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जो है ना थ्योरेटिकल से लेकर प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल तो इम्पोर्टेंट है ही, प्रैक्टिकल और ज़्यादा मायने रखता है। इसमें जो ब्रांच वाइज इन्होंने डिवाइड किया हुआ है यूनिट से, उसको मैं आपको अभी बताता हूँ और उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। वहीं पे स्टूडेंट का जो है ना इंटरेस्ट रखता है कि मुझे पीजी के लिए किस ब्रांच के लिए परस्यू करना है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा फर्दर मेरे साथ बने रहे, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ऑफ्थल ब्रांच के लिए 30 बेड की ओपीडी दे रखी है, सर्जरी के लिए इन्होंने 150 बेड की ओपीडी है, जनरल मेडिसिन में 150 बेड की ओपीडी है, ऑर्थोपेडिक्स में 120 बेड की ओपीडी है, उसके बाद पीडियाट्रिक्स में भी 120 बेड की ओपीडी दे रखी है इन्होंने, ओबीसी गायनी में भी 120 बेड है, उसके अलावा रेस्पिरेटरी मेडिसिन में 120 बेड की ओपीडी है, उसके बाद आपका ईएनटी जो है ईएनटी के लिए इन्होंने 20 बेड दे रखा है, फिजियो के लिए इन्होंने लगभग 20 बेड की ओपीडी दे रखी है। उसके बाद मैं फर्दर आपको डिटेल बताता हूँ, हाँ डर्मेट में भी इन लोगों ने 30 बेड की ओपीडी दे रखी है। तो पेशेंट जो हॉस्पिटल की ओपीडी है वो काफी हद तक बहुत अच्छी है और प्रैक्टिस करने के लिए और प्रैक्टिकल करने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा वहाँ पे, हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बीएमएस 2018 से चल रहा था, तो उसमें कॉलेज के ओपीडी और पेशेंट फ्लो के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, अच्छा कॉलेज है नो डाउट। ठीक है, उसके बाद मैं आपका जो पहुंचता हूँ आता हूँ जो पेशेंट फ्लो पे, पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है क्योंकि रूरल और अर्बन दोनों तरह का पेशेंट फ्लो है यहाँ पे। प्रॉपर सिटी में वाना डोंगरी जो है एक कस्बा टाइप का है, वहाँ पे प्रॉपर सिटी में नहीं है कॉलेज, थोड़ा सा हट के है, तो रूरल अर्बन दोनों तरह का पेशेंट फ्लो मिलेगा आपको और हाईवेज का भी, तो ऑर्थोपेडिक्स की ओपीडी और ज़्यादा अच्छी इनकी चलती है और जनरल सर्जरी की भी बहुत अच्छी ओपीडी इनकी चलती है। अब फर्दर डिटेल पे हम लोग अगर आएँ कि ये कितने एकड़ में बना हुआ, तो ये जो कॉलेज बना हुआ है लगभग नियर अबाउट 125 एकड़ में बना हुआ है,
125 एकड़ गुड एरिया होता है, जिसमें आपके सारे कोर्ट, स्पोर्ट्स कोर्ट, स्टेडियम वगैरह सारी चीज़ें बनी हुई हैं, क्या कॉन्फ्रेंस हॉल से लेके उसके बाद आपका ऑडिटोरियम वगैरह हर चीज़ सेपरेट तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से बना हुआ। तो आप लोग इसके जाके भी पर्टिकुलर विजिट करके भी देख सकते हो, और वैसे मेरी वीडियो में मेरा फिजिकल विजिट किया हुआ है तो मैंने देखा हुआ, बहुत अच्छा बना हुआ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, सारी चीज़ें नई नई तरीके से हैं, कुछ पुराना टाइप का नहीं है वहाँ। फिर मैं अगर दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज के बारे में नेक्स्ट में फर्दर डिटेल्स में अगर बात करूँ अगर आगे के लिए, तो ट्यूशन फी पे आता हूँ, जो आपके बजट को बताएगा कि आपके बजट में आ रहा है नहीं आ रहा। 2023-24 में जो है दत्ता मेघे नागपुर मेडिकल कॉलेज का जो ट्यूशन फी था वो तो 20,25,000 था। अभी 2024 का अपडेट हुआ नहीं है, वैसे इंक्रीज नहीं होगा इस साल, जहाँ तक मेरा अपना टेंटेटिव आइडिया है 20,25,000 ही फीस रहेगी आपकी। उसके बाद वहाँ पे को सर्कुलर फीस एक ली जाती है जो 1,25,000 जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी फी 1,00,000 जाता है और 50,000 रुपये एलिजिबिलिटी फी जाता है। ये MBBS के बच्चों के लिए डिम पेड सीट कोटा के लिए है। नेक्स्ट फर्दर दत्ता मेघे में क्या होता है कि आपको कुछ बच्चों का सपोज दैट NRI है, ब्लड रिलेशन में NRI है, उनके स्कोर काफ़ी लो है और वो NRI सीट्स लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे NRI जो है $27,000 के आसपास ट्यूशन फी है जो NRI बच्चे हैं उनके लिए, नॉन रेजिडेंस इंडियन के लिए। उसके अलावा $2,000 आपकी सर्कुलर फी आती है, $2,000 ही यूनिवर्सिटी फीस है वहाँ पे, और $1,000 आपकी एलिजिबिलिटी फीस है, ये NRI के बच्चों के लिए। फिर फर्दर मैं आता हूँ आपके हॉस्टल के हॉस्टल फी पे। हॉस्टल फी जो दत्ता मेघे नागपुर में है आपका सिंगल सीटर AC 1,60,000 का है, बॉयज का मैं बता रहा हूँ। टू सीटर AC जो है वो भी वो 1,50,000 का है, इसमें अटैच बाथरूम वगैरह है। नॉन AC जो है वो कम का है, 130,000 के आसपास का होता है और नॉन अटैच बाथरूम होते हैं उसमें। ये इसमें सिंगल सीटर और थ्री सीटर है, 10,000 रुपये का अंतर है। इसमें आप जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो और कन्वीनियंट महसूस कर रहे हैं उसमें आप ले सकते हैं। इसमें 10,000 रुपये के आसपास सिक्योरिटीज आती है, 150 से 160 के आसपास के लोग हॉस्टल फी लेते हैं। अभी इस साल कुछ 10-20,000 बढ़ता है तो उसका फर्दर नोटिस आपको आ जाएगा या मैं अपनी वीडियो में भी आपको बता दूंगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो कन्वीनियंट जानकारी है मेरे पास, मैं इसमें लगभग सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी। ट्यूशन फी हो गया, कॉलेज कैसा है, हॉस्पिटल कैसा है, कैसा पेशेंट फ्लो है, OPD के भी बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी नेक्स्ट फर्दर एक जानकारी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था, वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए थोड़ा सा, अदर स्टेट के बच्चे ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में। कॉलेज जो है लगभग नागपुर एयरपोर्ट से 78 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें अगर आप बाई रोड जाते हैं तो लगभग 1 से 1.25 घंटे का रास्ता है, तो कनेक्टिविटी को भी बुरा नहीं बोला जाएगा, अच्छी कनेक्टिविटी है भाई। 1 घंटे 1.25 घंटे में आप एयरपोर्ट पर पहुँचते हो और वहाँ से आप अपने कॉलेज पहुँच जाओगे, ये सबसे बेहतरीन रहेगा। बहुत ज़्यादा आउटर में कॉलेज नहीं है, अच्छा कॉलेज है। और फर्दर डिटेल्स, ट्यूशन फी भी मैंने आप लोगों को बता दिया, सारी जानकारी लगभग मैंने आप लोगों को दे दिया। इससे अलग कुछ अगर आप लोगों को कॉलेज के बारे में हमसे जानना है तो आप मेरा हमारा जो है ना गूगल फॉर्म उसमें पड़ा हुआ है हमारी वेबसाइट में, और वीडियो पे लिंक भी है हमारा नीचे, नंबर ऑलरेडी चल रहा है। कुछ और जानकारी चाहिए, मेरिट जानना हो या रैंक जानना हो कि कितने स्कोर तक के आपका हो जाएगा, इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे टेलीफोनिक। ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जितनी भी होगी NRI की और डिम्ड पेड सीट कोटे की, वो सब कुछ हम आपको टेलीफोनिक गाइड कर देंगे और बता देंगे, फिर उसके उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी काउंसलिंग कर लें तो आपका एडमिशन हो जाए। होप आप लोगों को ये हम मेरे द्वारा दी गई इस कॉलेज के बारे में सारी जानकारी ऑथेंटिक और अच्छी लगी होंगी और आपके लिए कन्वीनियंट लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, आपसे नेक्स्ट कॉलेज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट का भी हम लोग रिप्लाई करके कभी कभी क्वेश्चन के सॉल्व कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बस बने रहिए आप हमारे साथ, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और